कागजों में दफन 24 घंटे में बिजली कनेक्शन के आदेश और प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं का बढ़ता रोशनी का इंतजार। दरअसल राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भानु प्रकाश एटूरू ने ये निर्देश दिए थे। सर्विस लाइन के कनेक्शन 24 घंटे में करने के फरवरी में निर्देश दिए थे, लेकिन राजधानी जयपुर में ही ये महत्वपूर्ण आदेश हो गए थे। दफ्तर दाखिल किसी जगह केबल की दिक्कत तो कई मीटर की शॉर्टेज बताई जा रही है। ऐसे में कनेक्शन के लिए उपभोक्ता काट रहे हैं दफ्तरों में इधर से उधर चक्कर। इतनी गर्मी, ऊपर से परेशान हो रहे हैं उपभोक्ता। बिजली कनेक्शन के लिए ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा दयनीय हो गए हैं। 2 से 3 माह तक इंतजार के बाद भी बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे। फील्ड में अभियंता का तर्क ये है कि मटेरियल ही नहीं है तो आखिर कनेक्शन कैसे दिया जाए। जयपुर ग्रामीण के अभियंता कार्यालयों में पोल की जबरदस्त किल्लत है और सवाल भी ऐसे में खड़ा होता है कि क्या सिर्फ वाहवाही के लिए कनेक्शन के आदेश निकले थे क्योंकि कनेक्शन तो हो नहीं रहे, या फिर आदेश निकालने से पहले अभियंताओं से कोई वास्तविक रिपोर्ट ही नहीं ली गई और सीधा आदेश पारित कर दिए गए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है जिसमें सिर्फ आम इंसान वो उपभोक्ता पिस रहा है जिसे बिजली के कनेक्शन चाहिए, लेकिन इधर से उधर ही फटकता जा रहा है लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहे। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ एक तारीफ लूटने के लिए कनेक्शन को निकाल दिया गया या आदेश निकाल दिए गए, क्योंकि अभियंताओं से तो कोई वास्तविक रिपोर्ट नहीं ली गई। अगर रिपोर्ट ली गई होती तो वास्तविकता पता होती, क्योंकि यहाँ पर तो मटेरियल नहीं है और उपभोक्ता परेशान है। देखिए पूनम जी, ये जो मामला था फरवरी में इस तरह के आदेश निकले थे जिसमें की बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे में बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए थे। ये वो कनेक्शन है जो कि सर्विस केबल पे दिए जाने थे और जिसमें किसी सिस्टम में और जो है अपग्रेडेशन जो है नहीं किया जाना था। लेकिन हालात यह है कि अटकाला जयपुर शहर जो है वहां की अगर बात करें तो कोई भी बिजली का दफ्तर ऐसा नहीं है जहां पर बिजली के कनेक्शन 24 घंटे में दिए जा रहे हैं। हालात ये है कि बिजली उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं और उनको कम से कम 15 से 20 दिन तो मिनिमम से मिनिमम मान लीजिए कनेक्शन के लिए भटकने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें जिन अभियंता कार्यालयों में काम ज्यादा है या फिर जो अभियंताओं ने इस पूरे मामले को एक अलग रूट दे रखा है कनेक्शन को, तो उन जगह पर महीने से 2-2 महीने तक बिजली कनेक्शन की पेंडेंस चल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जयपुर ग्रामीण की और अन्य दूसरे ग्रामीण इलाकों की, तो वहां के हालात तो काफी दयनीय है। अगर वहां बिजली के कनेक्शन के लिए किसी उपभोक्ता ने आवेदन कर दिया तो ये मानिए कि उसका एक रूटीन बन गया बिजली के दफ्तर में जाकर के रोज चक्कर काटने का, क्योंकि ना तो वहां से कोई स्पष्ट जवाब दिया जाता है कि कितने दिन में बिजली कनेक्शन होगा या फिर ये बताया जाता है कि आखिर क्यों बिजली कनेक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि पूरे मामले में कुछ जो मेहनती अभियंता है फील्ड के, उनका एक बड़ा तर्क है इस पूरे मामले में कि मटेरियल उपलब्ध नहीं है बाजार के अंदर, फील्ड के अंदर मटेरियल उपलब्ध नहीं है, पोल उपलब्ध नहीं है। बिजली अगर जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो वहाँ बिजली के पोल ही उपलब्ध नहीं है तो बिजली कनेक्शन दे किससे। इसके साथ ही सर्विस केबल जो है वो नहीं है उपलब्ध, इसके अलावा जो मीटर बॉक्स है वो उपलब्ध नहीं है, तो मटेरियल की काफी शॉर्टेज है, इसके चलते उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिया जा पा रहा है। लेकिन कुछ अभियंताओं ने इस जो मटेरियल का जो कोटा है इसको कमाई का जरिया बना लिया है, प्राइटी तोड़ करके जो मनमाने तरीके से जो प्रभावशाली उपभोक्ता है या फिर जो उपभोक्ता ऐसे हैं जो कि दूसरे रास्ते से बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं उन लोगों को कनेक्शन देने की प्राइटी दी जा रही है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से उपभोक्ता जो है, जो वास्तविक उपभोक्ता जिनको बिजली कनेक्शन की दरकार है, वो लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। मैं आपको अपडेट कर दूं कि हाल ही में पृथ्वीराज नगर जो है जयपुर शहर का जो पृथ्वीराज नगर एरिया है वहां पर बिजली कनेक्शन खोल दिए गए हैं। पिछले करीबन 11 साल बाद में आप बिजली कनेक्शन खुले हैं। लेकिन आप देखना होगा कि आपको कोई मॉनिटरिंग कर रहा है या नहीं रही, क्योंकि ये देखना भी जरूरी है कि क्या वाकई में उपभोक्ता परेशान होते रहेंगे या उन्हें कनेक्शन मिलेगा या फिर कोई और नया आदेश पारित होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास जी इस जानकारी के लिए।